एयरटेल सिम स्वैप मतलब एयरटेल रिप्लेसमेंट। अगर किसी ग्राहक का सिम कार्ड खराब हो चुका है या फिर किसी ग्राहक का सिम कार्ड खो चुका है तो उसका सिम कार्ड कैसे रिप्लेस करते हैं एयरटेल मित्रा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं एयरटेल मित्रा के थ्रू आप सिम कार्ड कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे बड़ी ही आसानी। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहें और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रा एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और अपना लापू नंबर और पासवर्ड से मित्रा ऐप को लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर में डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लॉस्ट पर क्लिक करेंगे और कस्टमर का जो भी नंबर खोया है वो नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए UID आधार का। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर कस्टमर का इमेज को कैप्चर करेंगे। कस्टमर का लाइव इमेज अभी हम आपको कैप्चर करके दिखाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कस्टमर का जिस समय आप इमेज कैप्चर करेंगे चारों लाइन इसका ग्रीन होने के बाद ही कैप्चर होगा। तो देखिए यहां पर कैप्चर हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रंट साइड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को कैप्चर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है, ग्रीन आपका वहाँ पर सिग्नल शो होगा तभी आपका कैप्चर हो पाएगा। उसके बाद डन कर दीजिए। नेक्स्ट बैक साइड का है, तो बैक साइड आप यहाँ से आधार कार्ड का बैक साइड अच्छा से कैप्चर कर लेंगे। अगर अच्छा से नहीं करेंगे तो रिजेक्ट ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फ्रंट और बैक का आधार दोनों कैप्चर हो चुका है और यहाँ पर उसका डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर पूछ रहे लास्ट रिचार्ज पेमेंट अमाउंट, मतलब लास्ट में जो भी अमाउंट का रिचार्ज आपने किया था वो अमाउंट यहां पर एंटर कर दीजिए। लॉस्ट हैंडसेट में आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस मोबाइल में वो सिम कार्ड लगा हुआ था। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिटी, तो अपना डिस्ट्रिक्ट को यहां सेलेक्ट करके और सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो कस्टमर का पहले का इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर कस्टमर का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये पहले का नेम है तो अभी ये नेम से ही रिप्लेसमेंट होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद कनेक्शन डिटेल्स में आप न्यू सिम कार्ड को स्कैन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम कस्टमर का एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर को एंटर कर दे रहे हैं जिस पर आपको ये OTP अभी रिसीव होगा। तो चलिए इसको एंटर करके बाद डिक्लेरेशन बाय कस्टमर इस बॉक्स को टिक करेंगे तो कस्टमर का मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा। तो यहाँ से भी हम इसका OTP को एंटर कर दे रहे हैं और सिंपली सबमिट कर दे। नेक्स्ट डिक्लेरेशन बाय POS। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एजेंट होंगे तो यहाँ पर आप अपना इमेज को कैप्चर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम अपना इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है इमेज कैप्चर करने का, फ्रंट कैमरा से आप इसको कैप्चर कर लीजिए और इस बॉक्स को टिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे एजेंट नंबर पर OTP ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। जैसे OTP वेरीफाई होगा सिंपली आप इसको सबमिट कर दीजिए और सबमिट करते हैं आपको यहाँ पर मैसेज होगा कंग्रेचुलेशन वेलकम टू द एयरटेल फैमिली। उसके बाद कस्टमर को 1 घंटे वेट करना होगा। 1 घंटे के अंदर कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में वो सिम लगा लेनी है और उनका मोबाइल 1 घंटे के बाद चालू हो जाएंगे और उनका नेटवर्क भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले।